तो रुख करते हैं खबरों की तरफ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ वायु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जहां आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने ये ऐप तैयार किया है। वहीं यूपी सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण मंत्रालय और आईआईटी कानपुर के साझा कार्यक्रम में सीएम योगी ने इसकी शुरुआत की। बता दें कि कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने प्रकृति के अति दोहन से बचने और अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखने की अपील की। साथ ही मुख्यमंत्री ने पेड़ों के कटने और पारंपरिक जल स्रोत के खत्म होने को भी प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने की वजह बताई। इस दौरान सीएम ने सूबे में इन्फेसिलाइटिस से मौतों की संख्या 90% तक कम होने का दावा किया और स्वच्छ भारत मिशन, शुद्ध पेयजल को लेकर चलाए गए जागरूकता कार्यक्रमों को इसका आधार बताया। राजधानी लखनऊ में पीसीएस अफसर ऋतु सुहास की गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मुलाकात हुई। मिसेज इंडिया 2019 का ताज पहनने के बाद सुहास की राज्यपाल से ये पहली मुलाकात थी। मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने सुहास को यूपी का नाम रोशन करने के लिए बधाई दी। ऋतु सुहास 2014 बैच की पीसीएस अफसर है, जो एलडीए में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं। गौरतलब है कि 15 सितंबर को प्रतियोगिता के फाइनल राउंड के बाद सुहास ने 20 राज्यों के 59 प्रतिभागियों को पीछे छोड़कर खिताब अपने नाम दर्ज कराया था। प्रतियोगिता में कुल 6 राउंड हुए थे, जिसमें कॉस्ट्यूम और सवाल जवाब सेशन में ऋतु सबसे आगे रही और विजेता बनी थी। बता दें कि ऋतु सुहास की शादी 2008 में आईएएस अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एलवाई के साथ हुई थी। ऋतु लखनऊ की ही रहने वाली हैं। जनवरी में लखनऊ में हुए स्टेट लेवल में वो सबसे आगे थीं। इसी के बाद उन्होंने इंडिया लेवल के लिए प्रतियोगिता की तैयारियां शुरू कर दी थी। गौवंश संरक्षण पर कड़ा संदेश देने की कोशिश में आज योगी सरकार ने पहली बड़ी कार्रवाई की। महाराजगंज के मधवलिया गौ सदन के में दावे के मुताबिक गांव के ना होने से नाराज योगी सरकार ने एक ही झटके में 5 अधिकारियों को निपटा दिया। डीएम अमरनाथ उपाध्याय, एसडीएम देवेंद्र और सत्यम मिश्रा, सीओ और डिप्टी सीओ को सरकार ने निलंबित कर दिया। 5 अधिकारियों पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने सभी अधिकारियों पर केस दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उज्जवल कुमार को महाराजगंज का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। गौरतलब है कि मधवलिया गौ सदन के रजिस्टर में तकरीबन 2500 पशुओं की तादाद दर्ज थी, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि वहां केवल 994 पशु ही थे। माना गया कि सरकारी पैसे की बंदरबांट के लिए पशुओं की संख्या बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि 500 एकड़ भूमि को गौ गृह के लिए वन महकमे में पशुपालन विभाग को दिया गया था, लेकिन गौ सदन समिति ने नियमों को धत्ता बताते हुए इसमें 328 एकड़ भूमि पट्टे पर उठा दी थी। गौरतलब है कि इस गौ समिति के अध्यक्ष खुद जिलाधिकारी थे और उप जिलाधिकारी निचलौल सदस्य नामित थे। कि इतनी बड़ी कमी पर कोई भी वहां के स्थानीय अधिकारी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके और इस कारण उनकी जांच में जिला स्तर के अधिकारियों की बहुत गंभीर शिथिलता और अनियमितता किया जाना पाया गया। इससे प्रतीत होता है कि या तो गोवंश की संख्या जानबूझ के अधिक दर्शाई गई या गोवंश कैसे कम हो गया इसका कोई उत्तर संतोषजनक रूप से जिले के अधिकारियों के पास नहीं पाया गया। यह भी पाया गया कि गोवंश की संख्या में कमी के बावजूद उस पर होने वाले व्यय, चाहे उनके चारे पर व्यय हो, चाहे उनके और रखरखाव पर व्यय हो, उसमें भी अभिलेखों को संतोषजनक ढंग से नहीं रखा गया, जिससे प्रथम दृष्टया
गंभीर वित्तीय अनियमितता भी परिलक्षित हुई है। तीसरी बात, इस गोसदन में 500 एकड़ भूमि का कब्जा पशुपालन विभाग के पास था। गोसदन की समिति द्वारा लगभग 328 एकड़ जमीन हुंडा यानी लीज पर निजी व्यक्तियों को बिना किसी अनुमति के दे दी गई, जबकि ना तो ये विधिक प्रक्रिया के अनुरूप था, ना ही यह गोसदन समिति के अधिकार क्षेत्र के अंदर था। यह भी एक गंभीर दुराचरण और वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिला गोसदन मधवलिया महाराजगंज की प्रबंध कारिणी में जिलाधिकारी महाराजगंज अध्यक्ष हैं और उप जिलाधिकारी निचलौल सदस्य हैं। इसके अलावा उसमें उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी निचलौल व सदस्य और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महाराजगंज सदस्य सचिव हैं। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि ये इन अनियमितताओं को नहीं होने देते। शासन की उत्तर प्रदेश के मऊ में सोमवार तड़के सिलेंडर ब्लास्ट होने से बड़ा हादसा हो गया, जहां मोहम्मदाबाद के वलिदपुर में गांव में रसोई गैस का सिलेंडर फटने से 2 मंजिला इमारत समेत 3 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं कई लोग मकान के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। इस भीषण हादसे की जानकारी मिलने के बाद डीएम और एसपी के साथ अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर संज्ञान लिया और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया। साथ ही सीएम योगी ने घायलों के इलाज की व्यवस्था कराने के लिए तत्काल आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे में घायलों को हर संभव मदद दी जाएगी। बस्ती जिले के हरैया थाना के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक डीसीएम पहले तो डिवाइडर से टकराई जिसके बाद अनियंत्रित होकर बुलारो से टकरा गई। इस हादसे में बुलारो चालक और वृद्धा समेत 2 की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए सीएचसी पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान 1 की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सभी बुलारो सवार अयोध्या से मुंडन संस्कार से लौट रहे थे, तभी अयोध्या से वापस आते समय हरैया कस्बे के निकट पहुंचते ही हादसा हो गया। फिलहाल हरैया पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहराइच में पुलिस ने 2 दिन पूर्व युवक की गला रेत कर की गई हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने घटना में आरोपी एक दंपति को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान दंपति ने छेड़खानी और फोन पर अश्लील बातें करने से परेशान होकर वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। वहीं पुलिस ने आरोपी दंपति की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू और मृतक का जला हुआ मोबाइल भी बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने कार्रवाई कर दंपति को जेल भेज दिया। बता दें कि बहराइच के रामगांव थाना क्षेत्र में एक युवक का शव 2 दिन पूर्व गंभीरवा पुलिस चौकी के पास मिला था, जिसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। वहीं मामले की जांच में सामने आया कि मृतक युवक एक महिला को आए दिन फोन करता था और उससे छेड़खानी भी करता था, जिससे परेशान होकर महिला और उसके पति ने धोखे से युवक को बुलाया और उसकी चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। कुशीनगर में एक तेज रफ्तार वाहन ने बेजुबान पशुओं को रौंद दिया, जिसमें 100 से अधिक भेड़ों की मौके पर मौत हो गई और एक चरवाहा भी घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि घटना कुशीनगर के कुबेरस्थान थाने के गांगरानी चौराहे के पास सुबह तड़के हुई, जहां एक तेज रफ्तार वाहन ने भेड़ों के झुंड को रौंद दिया। इस हादसे में 100 से अधिक भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई।
जिसमें चरवाहा भी बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने पर भी पुलिस नहीं पहुंची और घटना के 3-4 घंटों के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क पर फैले भीड़ों के शवों को हटाने में जुट गई। साथ ही पुलिस उस गाड़ी का भी पता लगाने में जुट गई जिससे यह हादसा हुआ है। बुलंदशहर में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई जिसमें शातिर बदमाश घायल हो गए, जिसे गिरफ्तार कर पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। मामला बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हरियाणा से बुलंदशहर किसी वारदात को अंजाम देने आए शातिर बदमाशों को घेर लिया। वही बदमाशों ने अपने आप को गिरा देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें एक गोली बदमाश के पैर में लग गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को पकड़कर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा, एक बाइक व कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बता दें कि पकड़ा गया बदमाश हरियाणा में हत्या के मामले में पैरोल पर सजा याफ्ता चल रहा था और उस पर यूपी, राजस्थान व हरियाणा में एक दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र में दिवाली के लिए पटाखे बनाते समय भीषण धमाका हो गया, जिससे पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया और हादसे में 2 लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और गंभीर रूप से घायल दोनों लड़कियों को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। साथ ही घटना स्थल पर छानबीन के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में पटाखे बरामद किए, जिसे पुलिस थाने ले गई है। मामला मैनपुरी के गांव पतारा का है, जहां मंडल अध्यक्ष पद पर दावेदारी को लेकर भाजपा के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान नेताओं और समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई, साथ ही लाठी डंडे भी चले। वहीं स्थिति बेकाबू होने पर चुनाव अधिकारी की ओर से पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद हालात पर काबू किया जा सके। बता दें कि मैनपुरी में कुर्रा थाना क्षेत्र के गांव पतारा में मंडल चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। इस दौरान पार्टी नेताओं की ओर से अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने बीच विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ा कि समर्थक और नेता आमने सामने आ गए। वहीं देखते ही देखते नेताओं और समर्थकों में मारपीट होने लगी और लाठी डंडे भी चले, जिससे वहां भगदड़ भी मच गई। इस दौरान जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह दोनों गुटों के लोगों को शांत कराया। महोबा में पनवाड़ी कस्बे के मोहल्ला बनियाटपुरा में बदमाशों ने सर्राफ के घर की तिजोरी काटकर 1 किलो सोना और 10 किलो चांदी पार कर दी, जिसकी सर्राफ को भनक तक नहीं लगी। वहीं जब सर्राफ दुकान से घर पर सोना लेने पहुंचा तो तिजोरी से सोना और चांदी गायब देख उसे होश उड़ गए। वहीं जिसके बाद से तो आपको सराफा ने थाना पनवाड़ी में मामले की जानकारी दी। इस दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर मुआयना किया और मामले की जांच में जुट गई। बता दें कि क्षेत्र में यह कोई पहली घटना नहीं, बीते दिनों भी जनपद में कई चोरियां हो चुकी हैं जिनका पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। वहीं अब देखना यह होगा कि पुलिस के लिए चुनौती बन चुके यह चोर कब सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। पनवाड़ी में बनियाटपुरा मोहल्ले में कल एक तहरीर प्राप्त हुई थी कि परसों रात में इनके जो है अमित अग्रवाल जी का घर है बनियाटपुरा मोहल्ले में, कि इन्होंने ताला बंद किया था, सराफा के नीचे दुकान है और ऊपर के घर से चोरी हो गई है। तो उस चोरी में इन्होंने बताया कि काफ़ी सोना और चांदी के जेवरात, जो कि इनके कुछ कस्टमर्स के भी थे, घर के भी थे, कुछ रहन के रखे हुए थे, तो काफ़ी इसमें सोने और चांदी की चोरी हुई है। जो कल जब इन्होंने शाम को दरवाज़ा खोला अपना, उसको जो कि घर के अंदर का मैटर है, तो उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और कल मौके पर गए थे सभी अधिकारीगण, गए थे तो इस पर
खबर फिरोजाबाद के थाना जसराणा क्षेत्र के कस्बा पाटम की है, जहां पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान पर चोरों ने धावा बोल दिया और दुकान में रखी तिजोरी से लाखों के सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। बता दें कि बीती रात संजीव कुमार वर्मा की कृष्णा ज्वेलर्स की दुकान में चोर छत तोड़कर दाखिल हुए और दुकान में रखे सोने चांदी के जेवरात चुरा कर ले गए। वहीं सोचने वाली बात यह है कि दुकान से 5 कदमों की दूरी पर पाठम चौकी है, लेकिन चोरी की के दौरान चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों को भनक तक नहीं लगी। महोबा में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिसके चलते एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से कोतवाली क्षेत्र सहम गया। मामला महोबा शहर के कोतवाली क्षेत्र का है, जहां आधा दर्जन से अधिक बंदूकधारियों ने देर रात एक व्यक्ति के घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और धमकी देते हुए फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने 5 नामजद लोगों सहित 8 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सोनभद्र में दुद्धी के स्थानीय कृषि मंडी परिसर में बीजेपी मंडल कार्यकारिणी दुद्धी के चुनाव को लेकर काफी गहमा गहमी देखने को मिली। मंडल कार्यकारिणी के चुनाव के क्रम में 9 उम्मीदवारों ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरा। वहीं मंडल कार्य समिति सदस्य के लिए 15 सदस्यों ने अपना नामांकन पत्र भरा। बता दें कि कुल 16 लोगों ने पर्चा दाखिल किया है। वहीं मंडल सह चुनाव अधिकारी या जिला उपाध्यक्ष अनिल सिंह गौतम ने बताया कि आज मंडल अध्यक्ष दुद्धी के चयन को लेकर सबकी राय शुमारी ले ली गई है। जिला कार्यकारी प्रदेश कार्यकारी के मंडल अध्यक्ष का घोषणा बहुत जल्द ही कर दिया जाएगा। हमीरपुर में पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि पुष्पेंद्र यादव के एनकाउंटर को लेकर पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है, जिसे लेकर बुंदेलखंड के लगभग सभी जिलों में समाजवादी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिले के राठ में नगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर को लेकर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब से प्रदेश में योगी सरकार आई है, पुलिस प्रशासन को फर्जी एनकाउंटर की छूट दे दी गई है, जिससे पुलिस के हौसले बुलंद है और प्रदेश में सैकड़ों फर्जी एनकाउंटर की वारदातें हो चुकी हैं। बता दें कि कार्यकर्ता ने दोषी एसएसओ और उनके साथी पुलिसकर्मियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करने और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। बस्ती सदर ब्लॉक में स्थित डीलिया कस्तूरबा विद्यालय में डीएम औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां डीएम आशुतोष निरंजन ने के पहुंचते ही विद्यालय स्टाफ के हाथ पांव फूल गए। वहीं विद्यालय में बदतमीजी देख डीएम भड़क उठे और रहन सहन और खान पान में बड़ी कमियां मिलने पर वार्डन को जमकर फटकार लगाई। वहीं निरीक्षण के दौरान डीएम के सामने सब्जी और गैस सिलेंडर बाहर से मंगवाकर भोजन बनवाया गया, जिसके बाद डीएम एडीएम और बीएसए ने बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया। वहीं इस दौरान छात्राओं ने लापरवाही के बारे में डीएम को अवगत कराया। बता दें कि निरीक्षण में विद्यालय का छात्र रजिस्टर तक दुरुस्त नहीं मिला, जिस पर जिलाधिकारी ने विद्यालय स्टाफ को सुधरने की अंतिम चेतावनी दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू आगरा जिला जेल में बंद एनएसयूआई नेता और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री के खिलाफ के काफिले को काले झंडे दिखाने के मामले में पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष गौरव शर्मा गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए हैं। वहीं आगरा जेल में छात्र नेता से मुलाकात के बाद अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी राजनीति की पाठशाला छात्र संघ को खत्म करना चाहती है, इसलिए छात्र संघ के चुनाव नहीं होने दे रही है। आगे उन्होंने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है, कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ खड़ी हुई है और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सड़क से सुरक्षा जीवन रक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन एआरटीओ ऑफिस में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि नगर मजिस्ट्रेट कुंवर पंकज सिंह रहे, जिन्होंने मां सरस्वती पर मालार्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर शपथ दिलाई और जनता को जागरूक करने के लिए गुब्बारे छोड़कर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के लिए संदेश दिया। स्वतः सबको पता है, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, हेलमेट लगाएं और
ओवर स्पीडिंग ना करें, रश ड्राइविंग ना करें, मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें। हम लोग तो ये प्रयास है कि इसको जितना अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर सकें, उनको इस मुहिम के साथ जोड़ सकें, ये प्रयास हम लोगों का है। इसीलिए ये परिवहन विभाग की तरफ से ये दूसरा विशेष सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, और इसमें आज इन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था ताकि मैं यहाँ पर जो लर्नर्स लाइसेंस लेने के लिए जो बच्चे आए हैं उनको एक प्रेरित कर सकूँ कि साहब ये सारी नियमों का पालन आपको करना है जब आप एक लाइसेंसधारी चालक बन जाएंगे। सप्ताह में किस तरीके के कार्यक्रम यहाँ किए जाएंगे कुछ जानकारी? ये ARTO एडमिशन साहब से आप बात करें, वो डिटेल में आपको समस्त कार्यक्रम बताएंगे। और मैं प्रथम सत्र में आया था तो इस कार्यक्रम के बारे में मुझसे जानना चाहें तो ये मैं बता सकता हूँ। मुख्यालय स्तर से तमाम कार्यक्रम इसमें निर्धारित किए गए हैं दिवस वाइज में, जिसमें लर्निंग लाइसेंस चालकों की कार्यशाला, भारी वाहन चालकों की कार्यशाला, बाइक रैली या फिर पैदल मार्च वॉकथान जो जिस जिले में जैसे करा सके, उसके साथ में ही प्रदूषण जांच कैंप, स्पीड गवर्नर जांच कैंप, और साथ में जो विभाग की जो ऑनलाइन सेवाएं हैं उनके प्रचार प्रसार के कार्य भी इसमें किए जाएं। फिरोजाबाद के आर्य नगर थाना क्षेत्र में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी से मारपीट की, जिसके बाद महिला के परिवार वालों ने शराबी पति के घर के बाहर जमकर हंगामा काटा और पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी पति मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि महिला की शादी 1 साल पहले हुई थी और पीड़िता का कहना है कि उसका पति आए दिन उसे साथ मारपीट करता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बिजनौर जिला अस्पताल में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन हड़ताल पर है। जिला अस्पताल के परिसर में हड़ताल पर बैठे एसोसिएशन के चिकित्सकों का आरोप है कि बिजनौर की वर्तमान बीजेपी सदर विधायक सूची चौधरी के पति ऐश्वर्या चौधरी ने अस्पताल में पोस्टमार्टम ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर रजनीश और फार्मासिस्ट अचल वर्मा के साथ बदसलूकी और मारपीट की, जिसके विरोध में हम सभी सरकारी चिकित्सक हड़ताल पर बैठ गए हैं। बता दें कि हड़ताल पर बैठे चिकित्सक विधायक पति मौसम चौधरी और उनके समर्थकों के खिलाफ मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार शर्मा और कल मैं पोस्टमार्टम ड्यूटी पर PM डॉक्टर की तरह तैनात था और मुझे अवगत कराया गया कि 2 PM आए। मैं तत्काल पता मैंने करा कि पेपर कब आए हैं, पता चला कि पेपर अभी आए हैं। मैं तुरंत पहुंचा, इस बात से नाराज चुकी हूँ। वो बॉडी रात को यहाँ पर आ गई थी, लेकिन जो एक सरकारी प्रोसेस है कि जब पेपर पुलिस पेपर आते हैं इसी के बाद में हम बॉडी को शव का शविच्छेदन कर सकते हैं। फिरोजाबाद में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पुतला दहन किया। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि सीएम ममता बनर्जी के इशारे पर पश्चिम बंगाल में RSS कार्यकर्ताओं, बीजेपी नेताओं की हत्या कराई जा रही है। ऐसी स्थिति में उनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। विश्व हिंदू परिषद यह मांग करती है कि केंद्र सरकार ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, इस सरकार को नस्तनाबूद कर देना चाहिए। ममता को सीएम पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिजनौर के रिजर्व पुलिस लाइन में एम पासपोर्ट पुलिस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया, जिससे एम पासपोर्ट पुलिस एप्लीकेशन से पासपोर्ट की पुलिस जांच करने वाला बिजनौर जिला यूपी का पहला जिला बन गया है। बता दें कि यूपी मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एम पासपोर्ट पुलिस एप्लीकेशन का उद्घाटन 28 सितंबर को किया था, जिसके बाद आज बिजनौर पुलिस लाइन में SP देहात विश्वजीत श्रीवास्तव ने एम पासपोर्ट पुलिस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। बताते चलें कि एम पासपोर्ट पुलिस एप्लीकेशन के जरिए आम नागरिकों को अपने पासपोर्ट की जांच में समय की बचत और पासपोर्ट जल्दी मिलने की सुविधा दी जाएगी। गौरतलब है कि पासपोर्ट की पुलिस जांच में 21 दिन का समय लगता था, जो अब मात्र 7 दिन में पूरी की जाएगी। महोबा में 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शहर के ललता भवन में चौहान हॉस्पिटल, नौगांव अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन और वर्ल्ड वाइड हेल्थ फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में मरीजों की खासी भीड़ उमड़ी, जहां डॉक्टरों की टीम ने सैकड़ों मरीजों की जांच कर उन्हें दवाइयां दी। साथ ही शिविर में सराहनीय सेवा देने वाले डॉक्टरों और समाज सेवियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। देश मानव सेवा है, आज जो शिविर महोबा में लगाया जा रहा है तो इसमें मुख्य उद्देश्य जागरूकता फैलाना है। होता क्या है कि लोग बीमार बने रहते हैं, घरों में पड़े रहते हैं,
बाहर तभी निकलते हैं जब उन्हें कोई विशेष दर्द होता है, कोई विशेष बीमारी या विशेष हार्ट अटैक टाइप का होता है या पेट में दर्द होता है तब बाहर निकलते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि आपको थोड़ी सी भी कोई परेशानी है तो चिकित्सक के पास जाके दिखावें। और आजकल तो ये प्रचलन शुरू हो गया है कि स्वस्थ व्यक्ति भी प्रति वर्ष अपनी जांच करावे और अपना हेल्थ चेकअप करावे। क्यों जांच हो रही है? ये तो शल्यक्रिया विशेषज्ञ में स्वयं आया हूँ, सर्जरी से संबंधित। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ।